लाख लोगों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो ज्ञापन दिया, 1 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके उसके साथ दिया। कितनी जबरदस्त मीटिंग है, हाईली एजुकेटेड लोग है वहां। सो 10.25% लोगों ने ईवीएम को हटाने के लिए ज्ञापन के साथ में सिग्नेचर अपने करके। वोट चोर ईसीआई, वोट चोर के बाद अंडरस्कोर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। सो जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं जान को, ईवीएम हेरा पर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है, हम मुझे नहीं देखना है। इंजीनियर बता रहे हैं कई बार आप लोगों के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि ईवीएम को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि हमें ईवीएम पे भरोसा है। देश के तमाम लोग जान चुके, गाँव गाँव तक ये बात जा चुकी है ईवीएम के द्वारा लोगों की वोट की चोरी होती है। एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर में से एक अभी रिटायर हो गए और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने अभी 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया। वो जो रिजाइन हुआ है वो इस संदेह को और ज्यादा गहराता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पिछली बार कहा था 300 बार, तो 300 बार आ गई और इस बार कहा उन्होंने एनडीए के लिए कि 400 बार, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव डाला गया कि 400 पार लाने वाला काम ईवीएम से वोट की चोरी करके करवाना, कहीं ऐसा तो नहीं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, क्योंकि आज जिस तरह देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश के लोग खतरे में, उसमें जो एक उम्मीद बची है वो मीडिया से बची है और मीडिया भी लगभग मेनस्ट्रीम मीडिया पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, पूरी तरह गुलामी के तहत काम कर रहा है। लेकिन जो यूट्यूबर्स आप लोग हैं, आपके माध्यम से पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो चल रही है, आपके माध्यम से लोगों तक सूचना जा रही है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस बात के लिए धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो चुनावी चंदा, जो एक बहुत बड़ा घोटाला था, उसके ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक तरीके से अवैध घोषित किया और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो डायरेक्शन दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 फरवरी तक सारी चुनावी चंदे की, सारी इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक उसको पब्लिक डोमेन में डाले। लेकिन एक घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, या ये कहूँ मोदी जी के इशारे पर, भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 30 जून तक का टाइम मांगने की बात की कि पूरा डाटा कलेक्ट करके देने में टाइम चाहिए 30 जून, जबकि सब जानते हैं कि उसका पूरा डाटा बॉम्बे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और सारी ब्रांचेज कंप्यूटरीकृत हैं, एक बटन दबाते ही सारा डाटा आ जाता है। लेकिन इसमें बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के प्रति जो एक लोगों का भरोसा उसको भी कायम रखने का काम किया और स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए सीधा सीधा कह दिया कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर तुम्हें डाटा देना है। और देखो मजे की बात कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा का पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। अब सवाल यह कि वो 30 जून तक का टाइम किस लिए मांग रहे थे? एसबीआई ने सारा डाटा चुनाव आयोग को दे दिया, तो सवाल यह है कि वो 30 जून तक का टाइम किस लिए मांग रहे थे, किसके इशारे पे मांग रहे थे? ऐसा कौन सा घोटाला जो खुल जाने वाला था? ऐसे कौन से बड़े कॉरपोरेट हैं, कौन से ऐसे पूंजीवादी घराने हैं जिन लोगों ने ये सारा घोटाला किया और चंदे के बदले में धंधा हासिल किया और उन्होंने हो सकता है लाखों करोड़ का भारत सरकार से या उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हों? तो ये आज सार्वजनिक हो जाएगा, 15 तारीख को वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ पिछले कई महीनों से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ईवीएम को हटाने की एक मुहिम चली और मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आप सबका सहयोग मिला। आज पूरे देश के अंदर कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि हमें ईवीएम पे भरोसा है। देश के तमाम लोग जान चुके, गांव गांव तक ये बात जा चुकी है
ईवीएम के द्वारा लोगों की वोट की चोरी होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, चूंकि ये पूरे देश के अंदर ये सूचना जा चुकी है कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, बैलेट पेपर केवल सेफ है, और जो विकसित राष्ट्र है वो कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पे क्यों अड़ा है। मुझे लगता है कि ये संदेह कुछ ना कुछ और ज्यादा गहराता जा रहा है, कि जिस तरह आपने देखा रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने पब्लिक के सामने आकर कहा कि मैंने देश के साथ गद्दारी की, लोगों के साथ गद्दारी की, और 15 विधायकों को जो 70,000 वोट से जीते थे उनको हमने धोखे से हरा दिया, और मैं अपना कसूर मानता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे रावलपिंडी के चौक पे फांसी दी जाए, लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जिनके दबाव में हमने ये किया उनको भी फांसी दी जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो वीडियो जो वायरल हुई है और सबके सामने ये बात गई है, तो हमारे भी इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे लोगों का हो सकता है चित्त थोड़ा डामाडोल हुआ हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जमीर जागा हो। और आपको सबको पता है कि एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर में से एक अभी रिटायर हो गए और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने अभी 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया। वो जो रिजाइन हुआ है वो इस संदेह को और ज्यादा गहराता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पिछली बार कहा था 300 पार तो 300 पार आ गई, और इस बार कहा उन्होंने एनडीए के लिए कि 400 पार, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव डाला गया हो कि 400 पार लाने वाला काम ईवीएम से वोट की चोरी करके करवाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब लोगों में ये संदेह पैदा हो रहा है और वो संदेह बढ़ता जा रहा है, और संदेह इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी ताकि निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव हो, जो भारत का संविधान चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी देता है, और उसको चुनने की जो जो कमेटी है 3 सदस्य की, उसमें देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ तीसरे इंडिपेंडेंट व्यक्ति होने चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उस व्यवस्था को पलट दिया और उसके बाद कर दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री, एक कोई केंद्रीय मंत्री और तीसरे विपक्ष के नेता। इसका मतलब चुनाव आयोग का गठन जो लोग करेंगे उसमें 2 लोग तो केंद्र सरकार के हो गए, तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, और उसके बाद चुनाव आयोग के कमिश्नर का रिजाइन कर देना, एकदम जब चुनाव की घोषणा हो जाने वाली है 3-4 दिन के अंदर, उससे एकदम पहले इस तरह रिजाइन कर देना, इस संदेह को और ज्यादा बल देता है कि कहीं उनका भी जमीर जाग गया हो कि ये तो देश के साथ गद्दारी होगी, ये तो लोगों की वोट की चोरी होगी, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वो बेशक उन्होंने सार्वजनिक कारण नहीं किए कि किन कारणों से किया, लेकिन ये संदेह जरूर जनता के बीच में बढ़ गया है। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा हो, चाहे वो मिशन जय भीम हो, चाहे वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो, सब लोग मिलके सब लोगों ने तय किया कि आने वाले इस 14 तारीख को हम लोग एक हैशटैग चलाएंगे सुबह से और वो रात तक चलेगा। उसमें हैशटैग होगा, एक तो हैशटैग होगा वोट चोर ईसीआई, वोट चोर के बाद अंडरस्कोर देके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई शॉर्ट में, इंग्लिश में हैशटैग होगा वोट चोर अंडरस्कोर ईसीआई, और हिंदी में होगा वोट चोर वोट अंडरस्कोर चोर अंडरस्कोर चुनाव अंडरस्कोर आयोग। तो इस तरीके से जो चुनाव आयोग के ऊपर पूरे देश के लोग वोट की चोरी का जो संदेह कर रहे हैं, इसके ऊपर 14 तारीख को सुबह से लेके रात तक ये हैशटैग चलाया जाएगा, और इसके बाद 14 के बाद 19 तारीख को फिर से एक हैशटैग चलाया जाएगा जिसमें होगा मोदी हटाओ देश बचाओ। ये 19 तारीख को हैशटैग चलाया जाएगा सुबह से, मोदी हटाओ देश बचाओ। उसके बाद तीसरा जो प्रोग्राम है वो 23 तारीख को, आप सब जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की जो शहादत थी, उस शहादत दिवस पर पूरे देश के अंदर जो भी मानवता पसंद लोग हैं, जो लोग देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग ईवीएम से वोट की चोरी को रोकना चाहते हैं, वो लोग पूरे देश के अंदर, चाहे वो अगर वो वकील हैं
को अपने कोर्ट्स के अंदर, अगर वो नौकरी के अंदर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ अपने कहीं ना कहीं एक स्थान चुन लें, या सामाजिक संगठन के लोग हैं तो वो अपने निगम के अंदर या अपने SDM कार्यालय के अंदर या अपने DM ऑफिस के अंदर या फिर जो इलेक्शन का ऑफिस है उसके अंदर, या जो लोग गांव के अंदर हैं वो अपनी चौपाल पे बैठ के, या शहरों के अंदर जहां चौपाल बनी है वहां बैठ के, या जहां वो पार्क के अंदर योगा करते हैं वहां बैठ के वो लोग बैठ एक पूरे दिन का एक उपवास रखेंगे इस वोट की चोरी के खिलाफ, इलेक्शन आयोग के खिलाफ, EVM हटाने के लिए, बैलेट पेपर वापस लाने के लिए। और साथ में जब वो डालेंगे वो जो भी वीडियो अपनी अपनी वीडियो बनाए और वो वीडियो सब लोग अपने फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से डालें, व्हाट्सएप करें, पूरे देश के अंदर इतना वायरल करें कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जनता की बात सुन नहीं रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना समझ आ जाना चाहिए कि पूरा देश EVM को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाना चाहता है, पूरा देश अपनी वोट की चोरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, और इसमें तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा है किसानों का जो MSP है और जो किसानों के मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए, और दूसरा मुद्दा है EVM हटाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर वापस लाया जाना चाहिए, और तीसरा मुद्दा है जातिगत जनगणना पूरे देश के अंदर कराई जाए ताकि आर्थिक सर्वे होकर पूरे देश की स्थिति पता लग जाए कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों में, सारी सरकारी नौकरियों में, ऊंचे ऊंचे पदों पर, कोर्ट के अंदर किस जाति के कितने लोग बैठे हुए हैं और कौन लोग हैं जो देश में हिस्सेदारी से वंचित रह गए। तो मैं चाहता हूं कि अब हमारे साथी एडवोकेट रतनलाल जी वो ब्रीफ करेंगे, उसके बाद एडवोकेट भानु प्रताप सिंह प्रोफेसर रतनलाल जी साथ दे रहे हैं, तो बहुत एडवोकेट बने हुए हैं। इसको नीचे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, दिख रहा है ये सब? हाँ सब दिख रहा है, नीचे कर दो, बात रहने दो, अरे रहने दो, ठीक है जी। नमस्कार आप सभी को, और मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने विस्तार से सारी बातें रख दी है। तीन मुद्दे हैं जो इन्होंने बताया है, किसान आंदोलन के MSP के समर्थन में EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और जाति जनगणना का सवाल। सबसे पहले ECIP में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ये मामला जब कोर्ट में था एक मेंबर कमेटी पक्ष में कोर्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण संस्था है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उस पर देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी, और इसलिए उसमें कई मेंबर बनाए गए थे कि एक आदमी को एब्सोल्यूट पावर न दिया जाए। एक कमिश्नर अगर होगा, एक शहनशाह तानाशाह होगा तो देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है, इसीलिए पूरे प्रावधान किए गए थे। लेकिन देखिए अभी गोयल साहब ने जो इस्तीफा दिया है, इनका अपॉइंटमेंट भी कंट्रोवर्सियल और इनका इस्तीफा भी कंट्रोवर्सियल। इलेक्शन के चार दिन पहले, इलेक्शन घोषणा होने के चार दिन पहले, और उनका इस्तीफा क्या इशारा करता है, जब इलेक्शन कमीशन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं तो कैसे हम उम्मीद करें कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएगा। फंडामेंटल क्वेश्चन लोग देखिए, परसों 15 तारीख को इनकी मीटिंग है, तो सीधा सीधा है कि उसमें बेईमानी होगी, कौन लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने जाएंगे, जो सरकार का ही आदमी है तो 2:1 इसका रिजल्ट आना है। मेरा ये कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, इलेक्शन कमीशनर एक है अभी राजीव है एक है, उनको चिट्ठी लिखे कि सबसे पहले देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहां की इलेक्शन कमीशनर रिजाइन कर देता है, देश की जनता को पता नहीं लगता है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को, पहले ये घोषणा करे, अन्यथा वो मीटिंग का बायकॉट घोषणा करे पहले। दूसरी बात यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होगा, जाहिर है वो सरकार का नुमाइंदा ही होगा, सरकार ही उसको बनवाएगा, क्या करेगी वो सरकार ये सबको पता है, जो हाल किसानों के साथ बॉर्डर पे हो रहा है वो क्या होगा हम सब जानते हैं। इसलिए
जो मुहिम चल रही है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए मुहिम चले, ईवीएम हटाओ, ईवीएम वोट हमारा अधिकार है, वोट वोट जो है अधिकार है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो असली वोट में है। और वोट जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर इतनी सारी बात हो चुकी है कि जो ईवीएम बन रहा है उसमें बीजेपी के ऑफिस बेरर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो दही बिल्ली अगर कहे कि हम दही की रखवाली करेंगे तो उसी तरह का ही कुछ मसला है कि बिल्ली दही की रखवाली कर रही है और ये सोच रहे हैं कि दही नहीं खाएगी बिल्ली तो ये हम लोग इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं है, दही खाएगी ही खाएगी। तो इसलिए जब इतना सब कुछ सब पब्लिक में आ गया है, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं यान को, तो ईवीएम हेरा पर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है, वो हम मुझे नहीं देखना है, उसे इंजीनियर बता पाया। कई बार आप लोगों के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि ईवीएम को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। जो लोग वोट लूटे रहे थे वो ईवीएम भी लूट रहे हैं, सब वीडियोज भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए ईवीएम के विरोध में ये मुहिम है जारी थी कि हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने ताकत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता से ये आग्रह है, अपील है, या आग्रह अपील है कि आप भी अपनी ताकत दिखाइए। और जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करोड़ों की संख्या में आनी चाहिए, क्रैश करनी चाहिए पूरा, इतना लिखिए। ये जो हैशटैग बताया गया है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के तमाम संस्थाएं वहां तक आवाज पहुंचे। दूसरी बात है किसानों के समर्थन में, मैं तो एक कॉमन सेंस में बता सकता हूँ, जब मैं एक पेन खरीदना जाता हूँ तो उसका भी एमएसपी है, उसका भी एमएसपी है। तो क्यों ये वजह है कि लोग संतरा और लहसुन और नारंगी रोड पे किसान फेंक रहे हैं? कम से कम मिनिमम उनको गारंटी मिलना चाहिए। सरकार की पूरी पॉलिसी कॉर्पोरेट के पक्ष में। तीसरी बात, अभी एक चल रहा है राहुल गांधी गिनती करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है, गिनती करो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। और इसलिए कि जब देश में हर चीज की गणना हो सकती है, जब हम कितना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये भी जब गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, तो जाति भारत की सब, भारत एक जाति प्रधान देश है, इसलिए जातियों की गणना जरूरी है। और इससे कोई जातिवाद नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम अफर्मेटिव एक्शन का उससे प्लान कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना हो और ये चुनावी मुद्दा बने। शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाहूंगा भानु प्रताप करेंगे और दो मिनट अरे उधर से बारी चलते जा रहे हैं ना, माइक निकाल दिए, बारिश तो आ गई, चलिए वहाँ कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे तेज आएगी बारिश, तेज आ जाएगी बारिश। चलिए साथियों, चिंता मत करो, पूरा करवा के मीडिया के मेरे तमाम बहादुर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और साथियों, जो चीजें अब आपके सामने आ रही हैं, मुद्दे कई हैं और सभी जायज मुद्दे हैं, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो अभी यहाँ बताया गया जो जायज नहीं हो और जिसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। ये सीधे सीधे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना को हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ में जो जंगल काटे जा रहे हैं वो मुद्दा हो, चाहे वो जो बेरोजगार हैं उनका मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, और ईवीएम का मुद्दा तो है ही, और इस समय अब सीएनआरसी का भी मुद्दा शुरू हो गया। चुप करो यार। मैं धन्यवाद देता हूं जामिया के जो साथी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं देख रहा था, आशा प्रोटेस्ट था उनका, मैंने देखा एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो लोग वहां उसके खिलाफ में जो है सीएनआरसी के खिलाफ में आंदोलन, मतलब आवाज उठा रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने, और बाहर पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को घेर के छावनी में तब्दील किया गया है, फोर्स लगा दी गई है, सब कुछ। चलिए बधाई उनको जो सीएनआरसी का आंदोलन कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारे साथ में ईवीएम का आंदोलन करो, अगर करते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, पर उन्होंने किया, धन्यवाद उनको। और मैं कहना चाहूंगा, मुझे कहने में शक नहीं कि अभी आंदोलन सीएनआरसी को और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो एक बार मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि भाई इलेक्शन से ठीक पहले जो आग लगाई है अब उसमें थोड़ा सा और वो भड़केगी आग, धन्यवाद उनको भी। जो ईवीएम का मसला हम लेकर चल रहे हैं, मैं आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बदौलत
ये ईवीएम का मुद्दा न केवल गांव गांव, शहर शहर, गली मोहल्ले, घर घर ये मुद्दा पहुंच चुका है। हम लोगों को सब लोग देख रहे हैं और हमारे अलावा भी जो जगह जगह देश में अलग अलग जगह साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस विषय में मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग होके आए वहां पर, नागपुर में बहुत जबरदस्त मीटिंग आई। इसके अलावा गोवा, आप अंदाजा लगाइए कि गोवा में कुल जो वोट है 11 लाख वोट है टोटल, दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अभी हम जो पीछे गए हैं 4 तारीख को, 1 लाख लोगों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो ज्ञापन दिया, 1 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके उसके साथ में दिए। इतनी जबरदस्त मीटिंग है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं वहां के। सो 10.25% लोगों ने ईवीएम को हटाने के लिए ज्ञापन के साथ में सिग्नेचर अपने करके दिए। ये आंदोलन इस तरह से फैल रहा। लेकिन इसके साथ साथ, इससे पहले मैं आंध्र प्रदेश में गया, कडप्पा में बहुत जबरदस्त मीटिंग वहां पर हुई है। कडप्पा में हम लोग लगातार साउथ में बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीजें चल रही हैं, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि मीटिंग हो, लेकिन अब क्योंकि ये रमजान का पावन महीना भी शुरू हो गया है, मैं आपके माध्यम से ये बधाई भी देना चाहूंगा सभी मुस्लिम समाज के मेरे साथियों को, भाइयों को, रमजान के जो ये पावन महीना है उसकी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। एक बात जो सिंपल हम कहना चाह रहे हैं, जो 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, उस दिन जो ईवीएम के लिए जो प्रोग्राम सबसे अभी निवेदन किया गया, आदरणीय राजनपाल गौतम जी ने जो बताया, उसमें छोटा सा बस आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देश में हर व्यक्ति से हमारा ये निवेदन है, वो चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी शहर में मोहल्ला हो, बड़ा हो, वहां हो, जहां भी उनको ठीक लगे वहीं पर सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी उस दिन इकट्ठे हो और दो काम उस दिन करें। एक, उस दिन पूरे दिन व्रत रखें, उपवास रखें और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लेकर ईवीएम को खत्म करने के लिए प्रण लें, साथियों मीटिंग करें, बाकायदा सब लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करें और वो जो प्रण लें और जो वहां मीटिंग करें उस मीटिंग की वीडियो बनाएं, जो भी अच्छे बोलने वाले साथी हो बोले, 2, 3, 4 जो उनकी सबकी वीडियो बनाएं, छोटी छोटी वीडियो बनाएं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालें। जिस तरह से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डालते हैं, जो भी कहीं मीटिंग होती है, आंदोलन होता है, हम उसकी वीडियो बना के डालते हैं, ऐसे ही आप भी डालें। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को, देश के लोगों को, सरकार में बैठे हुए गूंगे भरे लोगों को, देश की अदालत को, सामाजिक संगठनों के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सबको पता लगेगा कि आंदोलन कितना नीचे तक पहुंच चुका है। और अगर ईवीएम को नहीं हटाया, जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराने की कोशिश की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने, तो इसके परिणाम कुछ और ही होंगे। ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए, तो इसने वीडियो बनाया। मैं शहीद भगत सिंह जी की जो बात हम लोगों ने डिसाइड की है, देखिए शहीद भगत सिंह जी के विषय में दो कोटेशन में उनकी कही हुई बात जो मैं आपके सामने रखता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 23 साल की उम्र में एक व्यक्ति कितनी व्यापक और कितनी सामाजिक और मानवीय सोच लेकर जीवन जीने वाला हो सकता है, तो उनके कोटेशन इससे अंदाजा लगाएं। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि क्रांति का मतलब ये नहीं है कि इसमें खून खच्चर हो, हथियार उठाए जाएं। क्रांति का मतलब है कि जो अन्याय और असमानता पर आधारित व्यवस्था है वो व्यवस्था बदलकर समानता और न्याय पर स्थापित व्यवस्था कायम की जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हर किसी को न्याय मिल सके, समानता मिल सके, हर किसी का सम्मान हो सके। दूसरा, एक और बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा, इस बात को समझिए आप। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं
कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा, ये शहीद भगत सिंह जी के शब्द हैं, कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक शोषण करने वाले लोग, जो कमजोर और गरीब लोग हैं, उनका शोषण करना बंद नहीं कर देंगे। शोषण करने वाले लोग, ये जरूरी नहीं कि वो अंग्रेज ही हो, वो अंग्रेज भी हो, उनके साथ में गठबंधन किए हुए भारतीय हो, और चाहे मूल रूप से भारतीय हो, ये तब तक संघर्ष चलेगा। आज वही स्थिति है, आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के बाद जिन लोगों ने ये सत्ता हाथ में ली है और आज जिनके पास सत्ता है, इन्होंने तानाशाही की तमाम जो सीमाएं हैं वो सब खत्म कर दी हैं और लगातार अन्याय और अत्याचार करते चले जा रहे हैं। यहां तक कि न्यायपालिका को भी अपनी बदमाशियों से पक्ष नहीं रहे। एक बहुत छोटी सी बात, बाकी उसके विषय में हमारे मलिक साहब बताएंगे, पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, एक बड़ी मजेदार बात हुई है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला 11 तारीख को जो हुआ है, और कहा उन्होंने कि 12 तारीख की शाम को आपको हर सूरत में देना होगा, एसबीआई को जो कहा, और एसबीआई ने दे भी दिया, जब आपके पास था ही अवेलेबल, हर कोई जानता था, तो समय क्यों मांग रहे थे। इसी से पता लगती है कि किस तरह से सरकार इन तमाम संस्थाओं को अपने कंट्रोल में करके कोई भी ऐसी चीज जिससे सरकार नंगी हो जाए वो लोगों के बीच में ना आए, उसके लिए काम कर रही है लगातार। फिर भी तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बड़ी मजेदार बात हुई। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है, मैं चाहता हूँ उसका खुलासा वही, हाँ, वही कर दें। मैं मलिक साहब कहेंगे, मैं पूरा करेंगे, मैं छोटा सा, मतलब ये भी बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लिख रहा है कि भाई इस विषय पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग लो। अबे जिस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और वो आदेश इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, उस विषय में सलाह का क्या मतलब है भाई? वो तो वैसे ही कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप इससे देखेंगे कि लोगों की जो अन्याय को बनाए रखने की और सच को छुपाए रखने की जो घिनौनी मानसिकता है वो किस हद तक है, कहां तक गिर चुकी है। जी, उसी दिन एक और भी हैशटैग चलेगा 23 तारीख को, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ _ देश बचाओ, ये भी हैशटैग 23 तारीख को चलेगा। सो मेरा सबसे निवेदन है कि देखिए ये आंदोलन जो हमने आपको वीडियो बना के, जहां भी है, गांव में, शहर में, जिस जगह भी है, जिले पर, ब्लॉक पर, तहसील पर, विधानसभा पर, लोकसभा पर, कहीं भी आप हैं, ये मीटिंग करके और वीडियो बना के भेज दिए, ताकि दुनिया को पता लगे कि देश वाकई में जाग चुका है, कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। सो मेरा यही आप सबसे निवेदन है, और विश्वास रखिए कि जब आप सब लोग साथ में खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इसी चुनाव में न केवल ईवीएम हटेगी बल्कि बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा। अब जनता को आप आगे आना होगा। और अब मैं बहुत ही हमारे सम्मानीय साथी, एक उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में आप देख रहे हैं कैप्टन गुमन सिंह साहब। कैप्टन गुमन सिंह साहब, आप बॉस से रिटायर हैं और हमारे चंडीगढ़ से हैं, साथी पंजाब की जो हमारी टीम है स्टेट की, उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ है, आज हमारे बीच में आए हुए हैं, वो भी साथी हैं। तो मैं चाहूंगा मलिक साहब आए और इस विषय में कि जो लेटर दिया गया है उसके विषय में अपनी बात यहाँ हमारे बीच में रखें। आइए मलिक साहब, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब। सर एक मिनट, नहीं बनेगा सर, काम नहीं बनेगा, उधर शिफ्ट कर लेते हैं, उधर शिफ्ट कर, कितने 3-4 तो पक्का रहेगा सर, बस यही गुमन साहब बोलेंगे। अरे आ जाएगी सब, आ जाएगी, ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, अब आवाज आ भी जाएगी, हाँ जाएगी सर, अब जाएगी, अब जाएगी, अब आगे से खुल जाएगी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाएगी यार भाई, पीछे आ जाओ, चलिए अब बोलते रहिए जहाँ पूरे दिन। साथियों, हमारे साथियों ने आप लोगों को पहले ही बता दिया
के तीन दिन कौन कौन से हैशटैग चलने वाले हैं देश में। मेरी तो बल्कि वो रिक्वेस्ट है देश की जनता से, क्योंकि देश में हर जगह पे इस तरह के लोग हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए मुहिम चला रहे, देश का एक एक नागरिक आज ईवीएम हटाने के पक्ष में है, जो जहाँ पर भी है, और जो इवन ज्यादा टेक्नोक्रेट है बच्चे आजकल के, उनको और भी नए हैशटैग कुछ अपनी मर्जी से देश के लोग चलाना चाहते हैं जरूर चलाने चाहिए, और ये असली देशभक्ति होगी। देश को जरूरत है, क्योंकि देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया से भी बढ़ के अगर कोई अथॉरिटी है इस देश की, दैट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ द कंट्री। और साथियों, हमारा संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, मैं की बात नहीं करता, बकरी की बात नहीं करता। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो देश का, चाहे कोई भी आदमी हो, वी से बात होनी चाहिए हम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अकेला नहीं होता, उसकी एक कैबिनेट होती है। देश का संविधान इस बात की के लिए कहता है कि अकेले के हाथ में कोई हथियार नहीं देना इस देश में, सब कुछ है मिलजुल के है, सामूहिक है, और वी द पीपल की तरह से हम कैबिनेट के पूरे साथी जो मैं करते हैं, सारे खतरनाक लोग हैं देश के लिए, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, और हमारा संविधान व्यक्तिवाद को दफन कर चुका है। हमारा देश का संविधान व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ जहाँ व्यक्तिवाद दिखाई देता देश में, देश के नागरिकों से ये भी अनुरोध है, उस व्यक्तिवाद को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कुछ भी करो, हैशटैग चलाओ, और कहीं इस तरह के व्यक्तिवाद दिखाई दे दीवारों पे, वहाँ भी कालिक पोत दो, ये जरूरी है, वो संविधान के अनुरूप है। संविधान व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहता, बल्कि व्यक्तिवाद को जन्म भी नहीं होने देना चाहता हमारे देश का संविधान। और ये लोग जो भूल भटक के शासन मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, तो ये सारा का सारा देश के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो साथियों, इसमें एक और चीज मिस हो गई, जो अग्निवीर साथी हैं उनके भी समर्थन में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो देश के लिए गड़बड़ वो करने की, और एक जो नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट करने का जो जुगाड़ चल रहा है, उसके लिए केस अब 15 तारीख को सुनवाई पे होगा। जो कोर्ट उसको सुनवाई पे मना कर रही थी, तो चीफ जस्टिस के सामने वकीलों ने जाके मेंशन किया कि शुरुआत हो जाए केस की, तो 15 तारीख को उस केस की भी सुनवाई होने वाली है देश में। और साथियों, जो कानून बना है जिसमें देश के चीफ जस्टिस